सोलन में कोरोना पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं हुआ है, जिलावासियों का भी और जागरूक होने की आवश्यकता है। ये बात सोलन की मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी मामलों पर उतना नियंत्रण नहीं हो पाया है, मामले घटते बढ़ते रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह जागरूकता की कमी है। रस्तोगी ने बताया कि अगर किसी परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो वह पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से उनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। वह व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और उनके कारण और भी कोरोना फैल सकता है। दूसरी ओर जिस परिवार का सदस्य कोरोना पॉजिटिव है, उस परिवार के अन्य सदस्य कोरोना का टेस्ट करवाने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जो कोविड के जो पेशेंट हैं, जब वो पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव आने के बाद उनकी स्क्रूटनी की जाती है कि वो किस एरिया को बिलोंग करते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास रिपोर्ट आई है शाम को 7 बजे तक कि ये इस एरिया का पेशेंट है, तो उसको विद इन 2 आवर्स जो है वो मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हमको गाड़ियां भी मिली हैं और हमें वॉलेंटियर भी मिले हैं जो कि ये मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी सहायता कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो है वो हमारे जो पेशेंट है वो भी काफ़ी खुश हैं कि उनको टाइमली सारा कुछ अरेंज हो रहा है। हमारे जो आशा वर्कर हैं वो पल्स ऑक्सीमीटर से उनका जो है वो ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे हैं और उनका डेली रिकॉर्ड रख